हमने कहा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी वन दिया है, तो माइनस वन दिया है। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो हमने कहा कि ठीक है यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको ये मिल गया कॉस ए कॉस बी साइन साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, हम लोगों ने कल पढ़ा था, हमने कहा याद भी कर लीजिएगा। बराबर वन हो गया कॉस ए प्लस बी का वन है, तो कॉस थीटा वन कब होता है जीरो पे होता है, तो हमने ए प्लस बी को जीरो मान लिया, क्या जीरो होगा। फिर कुछ किया नहीं, कॉट और टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, इसको इधर भेज दिया तो वन से मल्टीप्लाई होकर कैसा बन गया, या अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए प्लस बन गया। ए प्लस बी चूंकि जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए पूरा सिस्टम जीरो बन गया, हमको जीरो इक्वल करना था। अरे तू क्या भैया बोला करो आगे बढ़े। यस सर। आप लोग एनसीईआरटी लगाए हो 3.1 3.2 सब लगा लिए होगे ना। क्यों अच्छा सवाल है बना रहे हूँ, सवाल बना रहा हूँ। साइन 5/12 कॉस 5/6 cos 5/12 sin 5/6 की वैल्यू क्या है बेटा, 20 सेकंड में आंसर दे दो,
20 सेकंड में कर दो। हो गया होगा ठीक है। साइन है कॉस भी, यही मेरा ए है, यही मेरा बी है। साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, साइन ए प्लस बी बन जाएगा। फॉर्मूला याद कर जाइए, अभी कल पढ़ाया था। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, टू से मल्टीप्लाई तो थ्री पाई बाई 12 आएगा। कितना आएगा आपका साइन पाई बाई 4, 45 डिग्री मतलब 1 बाई रूट 2। अब पे आंसर आएगा 1 बाई रूट 2। आसान था सवाल है। 3 साइन 5 बाई 6 sec 5 बाई 3। माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 cot पाई बाई 4 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालिए। इजी है क्वेश्चन है, तो ये सवाल इजी है। तो भैया जो सिंपल सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल वैल्यू पे है। साइन 5 बाई 6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, 5 बाई 3 मतलब 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई 2, और sec 60 डिग्री कितना होता है, sec मतलब 1 अपॉन cos 60 डिग्री 1 बाई 2 मतलब 2 होता होगा। माइनस साइन 5 पाई बाई 6 इसको लिख दो पाई माइनस पाई बाई 6, और एक कॉट पाई 4 45 डिग्री, कॉट 45 1 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 3 माइनस 4 साइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री मतलब 1 बाई 2, तो ये 4 काटेगा 2 बार में, 3 माइनस 2 मतलब 1, तो इसका आंसर बनाना चाहिए। इसका आंसर बना रहा है ठीक है, इसका आंसर भैया बना रहा है, छाप लो प्रॉब्लम। इसका आंसर बना रहा है,
सवाल है, मिटा दें इसको, अगले पेज पर आते हैं। यस सर। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यार सोचो एक बार, डेढ़ मिनट में लगा लो। साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, बहुत छोटा सा हिंट है, मतलब छोटा सा क्लू है, वो सोचो क्या है। वन बाई फोर आंसर आ रहा है, नहीं देखो ध्यान दो, अब क्या करना है देखो ध्यान दो, साइन 15 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, हाँ ये कुछ करीब करीब लगा हमें, 15 में देखें क्या 45 माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री में 30 डिग्री जब घटाएंगे 15 डिग्री पाएंगे, है ना, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। यहाँ फायदा क्या होगा, यहाँ से हम लगा देंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये क्या है, ये मेरा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3, हाँ ऐसा कुछ सही लग रहा है, तो रूट 3 माइनस 2, चैट बॉक्स में मैसेज कर दो देख लेंगे, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका साइन 15 है, साइन ए मतलब 1/√2, कॉस 30 मतलब √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 मतलब 1/2, 2√2 सेम है, ऊपर क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। हाँ भैया सही है, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, हाँ बढ़िया, तो 2√3 नहीं 2√2 आ रहा है ना यार, अपॉन √3 थोड़ी होगा, डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों का, 2√2 2√2, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, हाँ तो खाली रूट से माइनस वन ऊपर अपॉन 2√2 नीचे। सवाल है कॉस 15 कितना होता है, कॉस 15 होता है कितना होगा, कॉस 15 कितना होगा, एक मिनट है,
कितना है भैया, इसको आपने लिख दिया होगा सर, रूट में 1 cos 30 upon √2 cos 30 को रखो ना, फिर क्या होती है cos 45 में 30 कर देंगे, 45 में 30 जाएगा, 15 हो जाएगा तो cos a - b क्या होता है, cos a cos b सर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 सेम आया है क्या, cos a cos b साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन है साइन भी तो जब cos 15 है cos a 1 by root 2 cos 30 मतलब 1 by root 3 by 2 sin 45 1 by root 2 sin 30 मतलब 1 by 2 तो आपका आएगा root 3 plus 1 upon 2 root 2 ठीक है, तो sin 15 root 3 minus 1 होता है upon 2 root 2 और cos 15 वैल्यू याद रखेंगे हम लोग, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू होता है ठीक है, अच्छा टेन फिफ्टीन रो कितना होगा, टेन फिफ्टीन कितना होगा जल्दी 30 सेकेंड, हो गया होगा भैया सर 2 - √3 हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 10 15 क्या होगा, साइन 15 अपॉन कॉस 15 टू अपॉन रूट थ्री, चलो देखते हैं आदित्य, तो हम तो कह रहे हैं कि साइन 15 अपॉन कॉस 15 तो साइन 15 कितना है निकाला है रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू कॉस 15 रूट थ्री प्लस वन टू रूट टू, इससे कट जाएगा तो 10 15 आएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, एक आंसर तो ये हो गया, आप चाहो इसको कंजुगेट भी कर ले सकते हो, कंजुगेशन भी कर सकते हो, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो रूट थ्री प्लस वन से ऊपर और रूट थ्री प्लस वन से नीचे, रूट थ्री माइनस वन से नीचे वाले कंजुगेट लो, इसे कंजुगेट मल्टीप्लाई करो मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से चार बन जाएगा और टू टू कॉमन हो जाएगा, टू माइनस रूट थ्री अपॉन क्या आएगा टू आएगा, ये कट जाएगा तो आपका आंसर सही था बेटा क्या, टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री तो 10 15 लोग टू माइनस रूट थ्री बोलते हैं, और अगर यही बोलते हैं रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ये भी सही है बात, देखिए किसी को सॉल्व करने पर नहीं पाया तो लिख लीजिए इसको फटाफट, ओके सर चलिए,
सवाल है कि cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री बराबर 1055 डिग्री प्रूव करना है। 1055 डिग्री का प्रूव करना है। इसे प्रूव करना है टू प्रूव इजी है पापा रेंज मना पड़े दो क्या करो LHS cos 10 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे याद रखो तरीका ये 1 बन जाएगा और ये sin upon cos 10 बन जाएगा cos 10 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा sin upon cos 10 10 बन जाएगा याद रखो कोई दिक्कत तो नहीं है इस 1 को लिख दो 1045 1045 वन होता है ना अच्छा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने को दिक्कत तो है नहीं तो 1 को लिखो 1045 फायदा क्या हुआ इससे ये बन गया आपको 10a plus 10b upon 1 minus 10b तरीका याद रखिएगा 10a plus 10b upon 1 minus 10b क्या बन जाएगा 10a plus b फॉर्मूला बन जाएगा 10a plus b का फॉर्मूला बन जाएगा ये कितना आ गया आपका 10 45 plus 10 55 डिग्री ये आपका RHS है प्रूव हो गया ये आपका RHS है प्रूव हो गया ठीक है तो ध्यान रखेंगे इस बात को कभी भी 1 प्लस 10 थीटा है 1 माइनस 10 थीटा है अब 1 को क्या लिख देते हो 1045 यहां 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तरीका याद रखो फिर 1045 ये भी ये बन जाता है 10a plus 10b का फॉर्मूला 10a plus b का फॉर्मूला 45 plus theta ठीक है बेटा अगर वही यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा ठीक है तो याद रखो ये तरीका 45 plus theta तो 45 plus 10 हो जाएगा तो 1055 आंसर आ जाएगा ठीक है भैया इसको याद रखिएगा काम का है आगे बढ़े नहीं लिखे हुए बोलना बोले जाएंगे भैया ये सवाल है कि सवाल है टेन साढ़े बाईस डिग्री की वैल्यू क्या होगी साढ़े बाईस डिग्री 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालिए साढ़े बाईस की वैल्यू निकालिए जल्दी एक मिनट में
देखो भैया तो साढ़े बाईस मतलब क्या होता है, 45 का आधा टेन 45 कितना होता है, 1 होता है मालूम है, टेन 45 को लिख दें क्या, क्या कि टेन साढ़े बाईस प्लस साढ़े बाईस, यहां पर टेन ए प्लस बी लगा लो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर वन, इसको टी मान लो मन में, तो क्या जाएगा आपका टी प्लस टी टू टी और वन माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा बराबर वन, ठीक है, जहां पे टी क्या है आपका टेन साढ़े बाईस डिग्री, इसको उधर भेज के सीधा चार लगाओ, क्या आपका टू टी इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टी क्या आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी, मतलब ये फोर बन जाएगा अपॉन टू ए, यहाँ से टू कॉमन जाएगा, अच्छा माइनस में नेगेट कर देंगे क्यों, 45 डिग्री साढ़े बाईस डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आंसर आएगा, माइनस हटा दे रहे हैं, यहाँ पे आएगा टू प्लस चार चार आठ मतलब टू रूट टू और अपॉन टू, क्या आएगा आपका ये वन प्लस रूट टू आ रहा है क्या, वन प्लस रूट टू आएगा, टू टू कट जाएगा, टेन साढ़े बाईस सही होता है, अभी कट जाएगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूट टू प्लस वन टेन साढ़े बाईस, कॉट साढ़े बाईस निकालिएगा होमवर्क।